और भाई यहाँ पर आकर पूरे मज़े यहाँ पर आप लीजिए स्नो के। स्नो की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्केटिंग हो रही है, जिप लाइनिंग हो रही है, एक वो ट्यूब वाली लाइनिंग हो रही है जो ट्यूब से बांध कर ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, वो वाली भी हो रही है। जिन लोगों को एडवेंचर एक्टिविटी स्नोफॉल पसंद है उनके लिए मनाली किसी जन्नत से कम नहीं है। ये वीडियो कॉस्कर की है और देख लीजिए यहाँ पर ग्राउंड पर ही कितनी ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पर गिरी हुई है। तो पहाड़ों का तो हाल क्या होगा, पहाड़ों के ऊपर ये देखिए, सामने की तरफ देखिए, ना आपको पहाड़ और ना आसमान, दोनों एक तरीके के ही लगते हैं देखने में जब जहाँ पर बादल हो जाते हैं। तो भाई अभी कॉस्कर में है, ये लाइव वीडियो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सीन है यहाँ का। कॉस्कर आइए जिनको स्नो पसंद है, क्योंकि मनाली में तो आपको यार कुछ नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ धूप है और कुछ नहीं। अगर नाचना गाना या कुछ भी करना है यार, इन्जॉयमेंट करना है तो यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर फैमिली आई हुई है, पूरे दोस्त आए हुए हैं यार, यहाँ पर आकर इन्जॉयमेंट करो। अगर आपने इन्जॉयमेंट करना है, घर में बैठकर आपको कुछ नहीं बनने वाला, तो भाई थोड़ा सा बाहर भी निकलिए, मनाली में आ जाइए। यहाँ पर कॉस्कर पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई यहाँ पर आइए, वो देखिए सामने पानी का, देखिए कितना तेज़ झरना है, वो सामने की तरफ नीचे से बह रहा है ये पानी, ऊपर पहाड़ों से आ रहा है बर्फ़ का ठंडा पानी और नीचे से ये बह रहा है। बहुत ही मज़ेदार यार यहाँ का मौसम बना हुआ है, ठंडी हवा चल रही है। यानी कहने का मतलब, अगर आप गर्मियों में जून जुलाई की तपती गर्मियों से बचना चाहते हैं तो भाई ये इस तरफ आ जाओ। बस सिर्फ 15-20 दिनों तक की वेटिंग है आपकी, उसके बाद में रोहतांग पास खुल जाएगा। भाई एक बात और बताता हूँ, यहाँ से सिर्फ 10-15 मिनट और आगे चले जाओ, रास्ता पैदल चले जाओ यार। अगर नहीं गाड़ी से जाना चाहते तो पैदल चले जाओ, सलाम मज़े लो यहाँ पे आके, एक बार पता तो चले कि भाई कहीं पर आए हुए हैं। पैदल चले जाओ, आगे जाकर इससे भी ज़्यादा आपको स्नो मिलेगी, हो सकता है रोड पर ही आपको स्नो मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉर्ड तोड़ स्नो पड़ी है भाई, पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड इस बार स्नो ने तोड़ दिया। लेट स्नो जरूर हुई है, लेकिन पड़ी तो भाई पड़ी फिर पूरी भयंकर रूप से पड़ी, यूँ समझ लीजिए, मतलब स्नो बहुत पड़ी मेरे कहने का मतलब। तो भाई अभी आप यहाँ पर आ जाइए तो भाई फुल मजे हैं। सैटरडे संडे को तो भाई यहाँ पर यह ग्राउंड आपको फुल मिलने वाला है, पूरी गारंटी है भाई। सैटरडे संडे को अगर आप आ रहे हैं, ये बीच का दिन है तो अभी आपको थोड़ी सी अभी लोगों का जो है थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अटल टनल के पास आपको घंटा कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहाँ पर रुकने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपने जो भी हैं दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी कुछ है आपके पास, उसको लेकर समेट कर सभी को इसी तरफ ले आओ। फिर 10-15-20 मिनट की अगर आप बाइक से आते हैं तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ओके तो आप यहाँ पर आइए भाई, ये देखिए पूरे के पूरे लोग यहाँ पर, यार व्यू देखो भाई। पिक्चर क्लिक कराने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस आपको यही मिलेगा, इससे बेस्ट प्लेस अभी आपको मनाली में कहीं और नहीं मिलने वाला, तो आप इसी तरफ आइए। तो दोस्तों ये थी आज की, चलो ये अपडेट, लोगों ने तो यहाँ पर बैठ कर ये पिकनिक मनानी शुरू कर दी है। ये देखिए भाई, खाते पीते रहिए भाई और आगे चलते चलिए, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है आजकल। तो भाई फूड की वैन से ये खड़ी हुई है, ये देखिए भाई साहब मोमोज खा रहे हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।